इस बार इटौरा से दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे फालसे। लॉकडाउन में किसान फालसे की खेती को लेकर परेशान हैं। ब्लॉक बरौली अहीर की आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत इटौरा में बड़े पैमाने पर फालसे की खेती होती है। वहीं आगरा में हजारों बीघा फालसे की खेती की जाती है। लॉकडाउन के चलते किसान फालसे को दिल्ली और अन्य बड़े शहरों की मंडियों में नहीं पहुँचा पा रहे हैं। मौसम के बदलते मिजाज से भी किसान फसल को लेकर आशंकित नज़र आ रहे हैं। इस वर्ष दिल्ली की मंडी बंद होने से उन्हें काफ़ी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने बताया है कि लागत निकालना मुश्किल हो गया है। काफ़ी समय पहले फालसे की खेती कर रहे हैं, ऐसे में मजदूरों और सिंचाई के पैसे निकालना भी मुश्किल हो रहा है। तो आइए जानते हैं किसानों से क्या कहना है उनका फालसे। मेरा नाम साहब दीपक है। दीपक भाई, ये फालसे का क्या मामला है? बता रहे थे अभी के कुछ, क्या लॉकडाउन में किस प्रकार का खेती पर प्रभाव पड़ रहा है? साहब ये फालसे एक फल है जो कि साल में एक बार होती है और पूरी साल किसान इस पर मेहनत करता है और एक महीने की फसल होती है, मई के महीने में चलती है। और इस फल को जो सही खरीदारी होती है इसकी, दिल्ली मंडी आज़ादपुर में होती है इसकी, आगरा में इसकी कम पकड़ है, दिल्ली में ज़्यादा है। किसान को अच्छी रेट मिल जाती है और आगरा में इतना बिक भी नहीं पाता है। और इस लॉकडाउन के चक्कर में कुछ मत पूछो साहब, किसान मरा पड़ा है। नहीं, जिस प्रकार योगी जी और मोदी जी का कहना है कि खाद्य पदार्थ तो बाहर जाएंगे, फल फ्रूट सब्जी, तो क्या लग रहा है आपका ये जो आगरा से बाहर जाएगा? तो साहब आगरा से बाहर नहीं जाएंगे। अगर आज टूट जाता है, कल नहीं बिकता है तो ये बेकार हो जाता, सड़ जाता, ना फ्रिज में रख सकता, ना आपका कोल्ड में रख सकता, एक दिन के बाद ये ख़राब हो जाता बिल्कुल। तो अभी कहाँ भेजा जाएगा आपके हिसाब से, क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करोगे आप आगे चल? इसको दिल्ली के अंदर ही बिक सकता है ये, दिल्ली के अलावा इसको कोई जानता भी नहीं, बहुत से शहरों में तो इस फल का नाम ही नहीं जानते हैं। दिल्ली में आप दिल्ली पहुँचा पाओगे ये फल सर? नहीं, अगर देखो मोदी जी योगी जी कोई ऐसा प्लान आ जाए कि दिल्ली मंडी चला जाए, लेकिन दिल्ली मंडी की भी कंडीशन ख़राब दिख रही है, वहाँ भी कोरोना पॉजिटिव कई लोग मिले हैं। तो आपके किसान तो ये समझो कुछ नहीं मिलेगा। क्या उम्मीद है किसान को? किसान उम्मीद यही लगाए बैठा है, अभी किसान इसमें पानी लगा रहा है, सारी मेहनत कर रहा है, अभी तो इस आस पे लगा हुआ है कि शायद कोई ऐसा हो कि फालसा बिक जाए, क्योंकि पूरी साल मेहनत करता है, पैसा भी देता है खेत वालों को, लीज पे ले रखे हैं बहुत से लोगों ने, पानी भी किराए पे लेता है, पूरी साल की मेहनत लगी है उसकी, अगर ये नहीं बिकता तो किसान की हालत ख़राब है साहब, कुछ नहीं कह सकते किसान के बारे में। दिल्ली पे हालत ख़राब है रही है, पानी दे रहे थे क्या फायदा, मंडी चलाता हुई तो बेच बेच जाएंगे, पानी की मेहनत तो ज़्यादा फालतू है, पानी तो देना पड़ेगा, फसल बेकार भैया रही है, फसल बेकार हो तो मेहनत बिल्कुल नहीं होगा, पानी तो जनता राज्य ना तो खबेगा यार, पानी देख रेट करेगा यार, आस हफ्ते अभी ने कहा था आस होगी तभी तो बेचेंगे, योगी जी करेंगे जो का जोगा मंडी बोलेगा भाल तो जाए अगर दिल्ली। कहाँ के रहने वाले? इटौरा के। अच्छा, क्या करते हो आप लोग? जी खेती बाड़ी करते हैं। किस प्रकार की खेती की आपने इस बार? इस बार तो ये फल की खेती है। क्या नाम है फल का? इसका फांसा। अच्छा, ये कहाँ बिकता है और कैसा कैसे बिकता है? देखा बहुत से शहर में तो जानते नहीं इसको, एक आगरा चलता है और ज़्यादातर दिल्ली चलती है। तो इस समय देश में लॉकडाउन है तो क्या लग रहा है किसान को? अब किसान उम्मीद करते हैं वही ये थे कि यार अगर लॉकडाउन कहीं मंडी की कोई कोशिश हो खुल जाए तो शायद है सकता है कि कोई फल फसल ले लग जाए। तो किस प्रकार का फल है, कितने दिन में ख़राब हो जाता है?
जो चलता है 24 घंटे चलता है, 24 घंटे के बाद वो कोई खराब हो जाता है। यहाँ फालसे की खेती कितने वर्षों से हो रही है? जे वर्षों से हो रही, 100 साल पुरानी है। फालसे किस किस काम में आता है? कोई फालसे से फायदे होते हैं? फायदे बहुत से, लोग जूस बनाते हैं, कुछ खाते हैं, कोई कई प्रकाश के काम में आते हैं। जी तो मन तो मरेगा जान पूछे कूदे भैया जी। हमने किराए पे फालसे लिए थे इस साल, हमने सोचा फालसे में अच्छी बचत होती है, दिल्ली जाती है तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। इस साल भैया लॉकडाउन हो गया है, कहीं पे फालसा नहीं जा रहा, दिल्ली में इसकी मांग है, गर्मी में अच्छे फायदेमंद है, ऐजा नहीं होता इससे खाने में, तरी राय करता है। अच्छा, दिल्ली ही पहुंचता और किसी और कहीं राज्यों में नहीं जाता? और शहरों में भैया इसको जानता ही नहीं कोई, क्या चीज़ है ये, नाम ही नहीं जानता इसका। तो यहाँ फालसे की खेती कितने वर्षों से हो रही है? अरे भैया 100 साल से ऊपर हो रही है। तो क्या लग रहा है इस वर्ष आपको दिल्ली कैसे पहुंचेगा, लॉकडाउन चल रहा है भैया जी? ये तो योगी जो मोदी जी जाने कैसे मंडी खुलेगी या नहीं खुलेगी, खुलेगी तो किसान बचेगा नहीं, मर जाएगा। किस प्रकार की लागत लगी है इसमें? भाई साहब लाखों रुपए लग गए खेतों में, और पानी किराए का है, किराए की जमीन ली है, इसमें कहाँ से पैसा चुकाएंगे हम? अगर लॉकडाउन खुलता है तो पैसा मिलता नहीं, बर्बाद हो जाएंगे। अब के फसल बढ़िया भैया, तो अब के किसान वैसे मरे को तो ना जैसे बराबर बेच ले। गुलाब सिंह भैया क्या करेंगे अब, पता रहा गंदा धर जाना मां का डाले मौजूद। तो आप मेरे साथ आगरा ग्वालियर रोड की ग्राम पंचायत एटौरा में, ब्लॉक बरौली की ग्राम पंचायत एटौरा है, और आप मेरे साथ देख रहे हो तस्वीरों में यहाँ फाल सेब की खेती की हुई है। किसानों ने बताया है कि उन्होंने यहाँ एक वर्ष में एक ही बार फाल सेब की खेती आती है, जो कि दिल्ली और आगरा की मंडी में बिकती है। दिल्ली के दरबार में कई वर्षों से, यानी लगभग 100 वर्षों से इटौरा का फाल सेब दस्तक देता चला आ रहा है, परंतु इस वर्ष लॉकडाउन के चलते दिल्ली के दरबार में इटौरा के फाल सेब की दस्तक नहीं होगी, ऐसा किसानों का मानना है। किसानों ने योगी और मोदी जी से उम्मीद की है कि मंडियों को चालू किया जाए, ताकि फाल सेब की खेती से जो फायदा होता है किसानों को वो हो सके, अन्यथा किसानों ने जिस प्रकार किराए की खेती ली है और पानी और अनेक प्रकार के जो खर्चे हैं उनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो किसानों ने लॉकडाउन में मोदी और योगी जी से उम्मीद की है कि उन्हें किसी प्रकार फाल सेब की खेती का फायदा हो। चोप सिंह सक्सेना, आगरा। भाई जगह तो नहीं ला रहे हो जाम बगली वाली पानी क्या सीधे भाई है साल के है वो पानी का।